नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दिवाली आरंभ होने वाली है और दिवाली की आरंभ धनतेरस से ही होती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन धनवंतरी यानी धन के देवता प्रकट हुए थे, उनके हाथों में अमृत कलश था और क्योंकि भगवान धनवंतरी इस दिन कलश लेकर प्रकट हुए थे इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कोई भी धातु यानी कोई भी वस्तु बर्तन आप खरीद कर लेकर आते हैं तो इससे आपके धन में 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज भी खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि खासकर धनतेरस वाले दिन अगर आप उन धनिया के बीजों को अपने गमले में लगाएं और जैसे जैसे वे खिलते हैं वैसे वैसे आपकी घर की सुख समृद्धि और संपत्ति दोगुनी होती है। धनतेरस पर खासकर सोना चांदी तांबा इत्यादि के धातुओं के बर्तन खरीदने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है, परंतु दोस्तों आज हम आपको उन खास चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें धनतेरस के दिन आप बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि दोस्तों इन्हें खरीदने से सुख संपत्ति खुशहाली की जगह विपरीत स्थिति बनेगी यानी कि आपका नुकसान होगा। अक्सर हम में से बहुत से लोग धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीद लाते हैं और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है क्योंकि ज्ञान के अभाव में हमें पता ही नहीं होता कि धनतेरस के दिन हम कौन सी चीज़ ऐसी घर पर खरीद कर ले आए जो हमारे लिए नुकसान का कारण बन रही है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखें क्योंकि जो भी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं उनका शास्त्रों में साफ साफ वर्णन है कि धनतेरस के दिन इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी घर में लेकर ना आए धनतेरस के दिन, क्योंकि इससे फायदे की जगह आपका केवल और केवल नुकसान ही होगा। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं कि कौन सी वे चीजें हैं जो धनतेरस के दिन आपको भूलकर भी नहीं लानी। दोस्तों इस दिन बर्तन खरीदने को शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लगभग सभी लोग बर्तन खरीद कर अपने घर जरूर लेकर आते हैं, भले ही अगर कोई धन के अभाव में भी हो तो वह एक चम्मच तो जरूर अपने घर में लेकर आता है और उसे पूजा घर में यानी अपने मंदिर के पूजा घर पर रखता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें खाली बर्तन धनतेरस के दिन आप मंदिर में बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, इसे अशुभ माना गया है। हाँ आप जब कोई भी बर्तन बाजार से एक धनतेरस के दिन खरीद कर लाए तो उसमें थोड़ा सा पानी अनाज या कोई भी वस्तु भर ले तो अच्छा रहेगा, तब जाकर आप इसे अपने मंदिर में रखें तो यह आपको सुफल प्रदान करेगा। परंतु वहीं खाली बर्तन आप लाकर अपने मंदिर में रख रहे हैं तो यह आपको असफल ही देगा, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। इसके अलावा दोस्तों कांच का सामान धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही नुकसानदायक माना गया है, शास्त्रों में से वर्जित माना गया है। इसका कारण यह है दोस्तों कि ज्योतिष में कांच का संबंध राहु ग्रह से माना गया है, इसलिए कांच से बनी वस्तुएं खरीदना आपको अशुभ फल देगी क्योंकि इससे आपके ग्रह यानी आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा जो कि आपको आपके हर कार्यों में असफलता ही दिलाएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें कि धनतेरस में आपको कांच के बर्तन बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। इसके साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि एल्यूमिनियम का संबंध भी राहु से बताया गया है। जैसे ही आप एल्यूमिनियम के बर्तन को घर पर लाते हैं तो इससे भी राहु का प्रभाव बढ़ता है जो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन लोहे की वस्तुएं खरीदना भी अशुभ माना गया है, खासकर धारदार चीज़ें जैसे कि चाकू कैंची इत्यादि नुकीली चीज़ें तो आप धनतेरस के दिन बिल्कुल भी ना खरीदें क्योंकि यह आपके लिए अशुभता लेकर आता है और इससे धन के देवता भी आपसे रुष्ट होते हैं। हाँ अगर आप गाड़ी और बाइक लेने की सोच रहे हैं तो धनतेरस के दिन आप पूजा पाठ द्वारा इसे अपने घर ला सकते हैं। वैसे धनतेरस पर लोहे की सामग्री किसी भी प्रकार की लोहे की सामग्री वर्जित मानी गई है। दोस्तों इसके अलावा इस शुभ दिन यानी धनतेरस के दिन आप काले रंग के कपड़े भी ना पहने। काले रंग के कपड़े के अलावा काले रंग की वस्तुओं का इस दिन इस्तेमाल कम हो तो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों काले रंग को अशुभ रंग माना गया है, यही वजह है कि पूजा पाठ के दौरान काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता बल्कि लाल पीले सफ़ेद व अन्य उजले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों धनतेरस पर खासकर काले रंग का सामान खरीदना अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाता। इसलिए आप इस दिन ना कपड़े खरीदें काले रंग के और ना ही कोई धातु काले रंग की आप खरीदें यानी काले रंग की धातु खरीदने से बचें।
दोस्तों जैसा कि धनतेरस का त्यौहार आने वाला है और त्योहारों में अक्सर हम घी, रिफाइंड तेल की चीज़ें खरीद लेते हैं क्योंकि पकवान हमारे घर में बहुत अधिक बनते हैं। परंतु दोस्तों धनतेरस के दिन तेल खरीदना शुभ नहीं माना जाता। हाँ, धनतेरस से एक दिन पहले आप तेल खरीद सकते हैं, परंतु धनतेरस के दिन आप तेल खरीदने से बचें क्योंकि यह भी घर में अशुभता लेकर आता है। इसके अलावा दोस्तों धनतेरस के दिन ध्यान रखें, इस बात को तो आप गांठ बांध लें कि धनतेरस के दिन आप अपने प्रियजनों के लिए उपहार लेने से बचें क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। इसका कारण यह है, यानी इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर आप धनतेरस पर किसी के लिए उपहार लेते हैं तो इसका मतलब आप अपने घर की लक्ष्मी को दूसरे के घर में भेज रहे हैं, इसलिए दोस्तों इस दिन उपहार लेने से भी आप बचें। दोस्तों अगर आपको कोई और जानकारी धनतेरस से संबंधित चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जय धन्वंतरी देव लिखना न भूलें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।